देखते हैं 27 नंबर दिया हुआ है, 3x² माइनस का 4x प्लस का 20/3 इक्वल टू 0। यहाँ a का वैल्यू है 3, b का वैल्यू है माइनस का 4 एंड c का वैल्यू है 20/3। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4ac माइनस का b² आयोटा और बाई में 2a। चलिए अब इसके बाद देखिए x इक्वल टू में माइनस ऑफ माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे 4ac यानी 4 × a के प्लेस पर है यहाँ पर 3 है, c के प्लेस पर है 20/3 और माइनस b² यानी माइनस 4 का² आयोटा और बाई में यहाँ पर 2a यानी कि 2 × में कितना हो जाएगा आपका a का वैल्यू 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, अब देखिए क्या होगा x इक्वल टू में 4 प्लस माइनस रूट अंडर देखिए क्या हो जाएगा 80 माइनस का 16 आयोटा और बाई में यहाँ पर नीचे 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं x इक्वल टू में 4 प्लस माइनस यहाँ से देखिए ये हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 4 यहाँ पे आपका बच गया आपका कितना 7 में से 64 आयोटा और बाई में 6। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं x इक्वल टू में 4 प्लस माइनस 8 आयोटा और बाई में 6 अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो x इक्वल टू में 4 बाई में 6 प्लस माइनस 8 आयोटा बाई में 6। तो अब इसे काट सकते हैं हम लोग, ये 2 से 2 बार में, ये 3 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 2/3 प्लस माइनस 4 आयोटा बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका क्वेश्चन।